लेके कंपनी नॉलेज। तो कंपनी नॉलेज में जब कंपनी की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है विजन की, किसकी? विजन। उसके बाद बात आती है मिशन की, उसके बाद बात आती है स्ट्रेंथ की, और उसके बाद बात आती है वीकनेस। तो आपकी कंपनी को अगर आपको ग्रो करना है तो क्या आपने अपनी कंपनी का विजन बनाया है? आया ना? अगर आपने विजन बनाया है तो डेफिनेटली वो पूरा होगा। अगर विजन नहीं बनाया है तो आप भाग रहे हो और आप अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के भाग रहे हो, आपको पता ही नहीं आप कहाँ भाग रहे हो। एक एक्टिविटीज अपने करते हैं विजन को लेकर, क्योंकि जिन जिन लोगों को चैलेंजेस आ रही है मतलब उनका विजन जो है ना वो क्लियर नहीं है। बराबर, एक एक्टिविटीज अपने करते हैं कैसे बनाया वो नहीं है, ये करना है। यस, हम सब लोगों को इस तरीके से दो उंगली आगे निकालनी है, बराबर। अब ये दोनों उंगली के बीच में से आपको मुझे देखना है, एक आंख बंद करना पड़ेगा। हाँ, एक आंख बंद करनी पड़ेगी, आंख मार के देखना। अब थोड़े टाइम के बाद आपको आपकी उंगली देखनी है, उसी में से एक आंख बंद करके उंगली देखनी, फिर से मुझे देखना। अब आपको रियलाइज होगा जब आप मुझे देख रहे हो आपकी उंगली आपको धुंधली दिखाई दे रही होगी। yes. और जब आप अपनी उंगली को देखोगे मैं धुंधला दिखाई दे रहा हूँ। हो रहा है? yes. तो आप समझना आपका विजन या आपकी आंखें जब आपके गोल के ऊपर होती है ना तो ये जो उंगली है ना वो है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हो जाते हैं धुंधले। लेकिन प्रॉब्लम अपना ये होता है कि अपनी नजर जो होती है ना वो प्रॉब्लम पर ही होती है, तो विजन फिर हो जाता है धुंधला। क्लियर हो रहा है? तो अब आपको आपकी कंपनी का विजन बनाना पड़ेगा, मिशन बनाना पड़ेगा, और वो विजन मिशन अगर बनाना है तो एक अच्छा एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। एक स्कूल है जो बाहर बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जहां पर बहुत सारे अच्छे मैनेजमेंट के बंदे बाहर निकलते हैं। वहां पर एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के अंदर देखा गया कि पुराने जितने भी पढ़ लिख कर वहां से जो लोग निकले थे उन सब लोगों को 10-15 साल के बाद फिर से बुलाया गया और इकट्ठा करके बात की गई और पूछा गया कि आप लोग बताओ कितने लोगों ने अपने जीवन में जो गोल आपने जब मैंने हमने बताए थे आपने लिखे थे और आपने पूरे किए, तो स्कोर कुछ ऐसा निकल कर आया। क्योंकि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में लोगों को बोला गया था आपको अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना है आप लिखो। तो उस टाइम पर हुआ ये था 80% लोग जो थे उन्होंने लिखा ही नहीं। उन्होंने क्या बोला, आप बताना थोड़ी जरूर, आप लोग तो काम करो, अपने को तो काम करना है, ये सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। 17% लोगों के माइंड में था लेकिन उन्होंने लिखा ही नहीं। दिमाग में था सब कुछ लेकिन लिखा ही नहीं। और 3% लोग ऐसे थे जिनके माइंड के अंदर था, उन्होंने लिखा और जब वो मिले तो उन्होंने हासिल भी कर लिया था, अचीव कर लिया। अब जब जब हम किसी को विजन मिशन के ऊपर बात करते हैं और लिखने को लेकर बात करते हैं तो रेशियो भी ऐसा ही निकलता है। समझ रहे हो? तो आपको अगर विजन अचीव करना है तो आपको आना पड़ेगा ये 3%, उसको क्लियर करके लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एग्जाम्पल के अंदर हम बात करेंगे गोदरेज की। गोदरेज कंपनी के बारे में आप लोग जानते हैं? यस। अब मैं आपको बताऊंगा कि गोदरेज कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई थी 1897 के अंदर। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद जब उन्होंने अपना एक प्लानिंग किया और एक विजन बनाया 10 करोड़ का, तो उन्होंने 10 करोड़ के विजन को उन्होंने अचीव कर लिया। उसके बाद आगे जाकर उन्होंने प्लानिंग किया 1993 के अंदर 1500 करोड़ का, तो जब वो 1993 के अंदर थे 1500 करोड़ का विजन उन्होंने अचीव कर लिया। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने 2003 में विजन लिया, 2017 में लिया, 2013 में लिया, और लास्ट में उन्होंने विजन लिया था 2020 में। और जो 2020 का उन्होंने विजन लिया था वो विजन था कुछ ऐसा। अब सवाल ये है, क्या ये विजन अचीव हुआ होगा? yes. क्योंकि लिया हुआ था, ऑन पेपर लिखा हुआ था, उसके ऊपर काम भी उन्होंने किया था, और अब मैं आपको बात करूंगा फैक्ट एंड फिगर के ऊपर। डेफिनेटली उन्होंने वो अचीव किया क्योंकि उन्होंने वो लिखा हुआ, ये कमिट कर लिया। और ये अपने को समझ में ना आए थोड़ा, इसलिए मैंने ये भी एग्जांपल रखा है हिंदी के लिए। क्लियर? तो ये बात हो गई गोदरेज कंपनी की, उन्होंने विजन लिया और उन्होंने अचीव किया, अपने को कुछ मिला नहीं है। तो अब अपने को अगर चाहिए तो बनाना पड़ेगा अपना खुद का।